मतगणना के शुरुआती रुझानों में एनडीए 300 के पार, विपक्षी गठबंधन ने 220 सीटों पर हासिल की बढ़त। वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री मोदी चल रहे आगे, कन्नौज से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बनाई बढ़त। गांधीनगर सीट से गृहमंत्री अमित शाह चल रहे हैं आगे, राहुल वायनाड और रायबरेली दोनों से चल रहे हैं आगे। बंगाल में भाजपा और टीएमसी में दिख रही है कांटे की टक्कर, बीजेपी 17 और टीएमसी 18 सीटों पर चल रही है आगे। अमेठी में स्मृति ईरानी और सुल्तानपुर से मेनका गांधी पीछे, गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी रवि किशन ने बनाई बढ़त। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से आप प्रत्याशी सही राम आगे, उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया से आगे चल रहे मनोज तिवारी। मंडी से कंगना रनौत कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह से आगे, मेरठ से अरुण गोविल, मथुरा से हेमा मालिनी ने बनाई बढ़त। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से भाजपा प्रत्याशी आगे, कैसरगंज से ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण ने बनाई बढ़त। हरियाणा में कुरुक्षेत्र लोकसभा में आम आदमी पार्टी आगे, चरखी दादरी और बाड़ा में बीजेपी ने बनाई बढ़त। राजस्थान में 14 सीट पर बीजेपी और 10 पर कांग्रेस आगे, एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने दोनों को पीछे छोड़ा। पहले राउंड में पटना साहिब से रविशंकर 500 वोटों से आगे, पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर मीसा भारती ने बनाई बढ़त। जम्मू कश्मीर में भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस 2-2 सीट पर आगे, कमलनाथ के बेटे नकुल छिंदवाड़ा से चल रहे पीछे। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए मतगणना जारी, बीजेपी 8 सीटों पर आगे, राजनांदगांव से बघेल को बढ़त। झारखंड में एनडीए 5 और इंडी गठबंधन 4 सीट पर आगे, रांची से संजय सेठ, दुमका से सीता सोरेन कर रही लीड। हैदराबाद 8 सीट से असुद्दीन ओवैसी ने बनाई बढ़त, बारामती से सुप्रिया सुले 11,000 वोटों से आगे। तिरुवनंतपुरम हॉट सीट पर कांग्रेस के शशि थरूर आगे, बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर दे रहे हैं कड़ी टक्कर। आंध्र प्रदेश और ओडिशा विधानसभा के लिए मतगणना जारी, आंध्र में TDP 50, ओडिशा में बीजेपी 26 सीटों पर आगे। आम चुनाव में जीत की हैट्रिक के प्रति भाजपा आश्वस्त, नड्डा बोले फिर भी मतगणना केंद्रों पर एजेंट रहे सतर्क। लोकसभा चुनाव परिणामों पर संजय राउत का दावा, का परिणाम आने के 24 घंटे के भीतर चुन लेंगे पीएम चेहरा। लोकसभा चुनाव नतीजों से पहले बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 2600 फिसला, निफ्टी भी 600 अंक धमाम। उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में 4-5 दिन बाद लू से राहत, विक्षोभ के चलते 5-7 जून तक आंधी की संभावना। पंजाब में आंधी बारिश ने लोगों को दी भीषण गर्मी से राहत, कई जगहों पर पेड़ व तार टूटे, तापमान में आई गिरावट। असम में भीषण बाढ़ से 6 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, 5 की गई जान, 10 जिलों में 577 गांव पानी में डूबे। कचरे से भरे गुब्बारे उड़ाने पर उत्तर कोरिया ने की बड़ी कार्रवाई, दक्षिण कोरिया के साथ शांति समझौता करेगा निलंबित। सीएम मोहन यादव ने ममता बनर्जी को कह दिया बेशर्म, कहा बंटवारे का बीज बो रही है तृणमूल कांग्रेस। इसराइल के खिलाफ फलस्तीन ने ICJ में दायर की अर्जी, दक्षिण अफ्रीका के मुकदमे में शामिल होने का किया अनुरोध। महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए भाजपा के उम्मीदवार घोषित, 26 जून को होगा मतदान, 1 जुलाई को आएंगे नतीजे। महाराष्ट्र के गोवा स्वाभिमान पार्टी के विधायक रवि राणा का दावा, कहा 15 दिन के भीतर भाजपा में शामिल होंगे उद्धव ठाकरे। ब्रह्मोस के पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवाल को उम्र कैद की सजा, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में पाए गए दोषी। जुलाई सितंबर तक मानसून के आने से गर्मी से मिलेगी राहत, अगस्त सितंबर तक लानीना के विकसित होने की संभावना। पाकिस्तान कोर्ट ने पूर्व पीएम इमरान खान को किया बरी, 2022 में विरोध मार्च के दौरान दोनों मामले हुए थे दर्ज। मनीष सिसोदिया ने खड़खड़ाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, शराब घोटाले के मामले में हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती। भारत में चुनावों को प्रभावित करने की थी बड़ी साजिश, बिस इन्फो लैब की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। दिल्ली को जल संकट से उबारने के लिए शीर्ष अदालत का आदेश, कहा 5 जून को बुलाई जाए UYRB की बैठक। महिला आयोग ने संदेश काली जाने की मांगी अनुमति, चुनाव आयोग से कहा महिला हिंसा की जांच करेगी टीम। वैश्विक मंच से चीन ने खुलेआम ताइवान को धमकाया, सांगरी ला वार्ता में कहा हम आजादी रोकने के लिए तैयार। मालदीव ने इजरायलियों के प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध, दूतावास ने कहा खूबसूरत भारत की करें सैर। विजय भारती NHRC अध्यक्ष के रूप में संभालेंगी कारोबार, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना, अरुण मिश्रा की लेंगी जगह। राजकोट अग्निकांड में SIC की जांच रिपोर्ट में खुलासा, संचालकों सहित नगर निगम और पुलिस भी बताए गए जिम्मेदार। ट्राली बैग की तलाश में बनगांव पहुंची CID, बांग्लादेश सांसद की खोपड़ी ठिकाने लगाने का संदेह। FSSAI का डिब्बा बंद, जूस बेचने वाली कंपनियों को निर्देश, कहा अपने विज्ञापनों से हटाएं 100% फल के जूस का दावा। फल सब्जियां खाने से महिलाओं में मृत्यु का जोखिम कम, अंडा मीट प्रोसेस्ड फूड से परहेज करने के दिखे कई लाभ।
15-16 जून को यूक्रेन शिखर सम्मेलन में शामिल होगा भारत। प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री एस जयशंकर नहीं करेंगे प्रतिनिधित्व। कर्नाटक विधान परिषद की 6 सीटों के लिए मतदान 6 जून को जारी किए जाएंगे चुनाव परिणाम। फिलीपींस में अमेरिका ने तैनात किए सबसे खतरनाक ड्रोन। चीनी सेना की गतिविधियों पर रखेगा पहली नजर। दक्षिण अफ्रीका ने जीत के साथ विश्व कप का किया आगाज। एक तरफा मुकाबले में श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। पहले श्रीलंकाई टीम 20वें ओवर में 77 रन पर हुई ढेर। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 4 विकेट खोकर हासिल की जीत। विश्व कप में अफगानिस्तान ने उगांडा को 125 रनों से हराया। फजल हक फारूकी ने 5 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। पहले अफगानिस्तान की टीम ने 20 ओवर में 183 रन बनाए। जवाब में 16 ओवर में 58 रन पर ढेर हो गई उगांडा की टीम। विश्व कप मुख्य कोच के तौर पर द्रविड़ का आखिरी टूर्नामेंट। खुद किया ऐलान, गंभीर के कोच बनने का रास्ता हुआ साफ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।